आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज, मैं आपके साथ विजय यादव। बता दें कि बीती 11 तारीख को थाना दहली गेट इलाके के जली कोठी में हॉटस्पॉट को सील करने गई पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की टीम पर लोगों ने पथराव कर दिया था, जिसमें दरोगा और सिटी मजिस्ट्रेट भी घायल हो गए थे, जिसके बाद एसएसपी और डीएम भारी पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे और मस्जिद के इमाम सहित कई लोगों को गिरफ्तार किया। इन सभी को गिरफ्तार करने के बाद सदर थाने ले जाया गया और उनके सैंपल भी जांच के लिए भेजे गए थे, जिसमें से एक व्यक्ति की जांच रिपोर्ट कोरोना वायरस पॉजिटिव आई तो तमाम पुलिस अधिकारियों में हड़कंप मच गया, क्योंकि यह पॉजिटिव मरीज थाने में कई लोगों के संपर्क में आया था। फिलहाल एहतियात के तौर पर सदर थाने के दो दरोगा, दो सिपाही और एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को 14 दिन के लिए होम क्वारंटाइन कर दिया गया और साथ ही उनके सैंपल भी जांच के लिए भेज दिए गए। इसके अलावा पूरे थाने को सैनिटाइज भी कराया गया। मेरठ से संवाददाता शुभम शर्मा की रिपोर्ट। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मेरठ के सदर बाजार थाने में। आप देख सकते हैं मेरे पीछे सदर बाजार थाना है, जहाँ पर दो दरोगा, दो कांस्टेबल, एक सफाई कर्मचारी कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। यहाँ पर सैनिटाइजिंग बॉक्स है मेरे पीछे, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये सैनिटाइजिंग बॉक्स है जहाँ से पुलिसकर्मी सैनिटाइज होकर अपने अंदर थाने में काम करने के लिए जाते हैं। मगर ये सैनिटाइजिंग बॉक्स सही समय पर काम नहीं कर पाया। मेरठ से आईपीएन न्यूज़ शुभम शर्मा। देखिए, शुरू से ये बार बार हम लोग इंसिस्ट कर रहे हैं, जो हमारे जो भी कर्मचारी लगे हैं, पुलिस के लगे हैं या जो सफाई कर्मचारी लगे हैं या जो भी सरकारी मेडिकल पैरामेडिकल स्टाफ लगा है, सबको इस तरीके के खतरा है कि चीज़ें संक्रमण फैल सकता है। और जो एक अभियुक्त पकड़ा गया था जिसने पथराव किया था पुलिस पे, उनकी जांच पे उस पॉजिटिव कोरोना का टेस्ट आया है, तो उसके संपर्क में जो भी हमारे दो सब इंस्पेक्टर हैं, दो कांस्टेबल हैं, एक फोर्थ ग्रेड का एम्प्लॉई है, इनको हम लोगों ने होम क्वारंटाइन में रखा है, उनका परीक्षण कराएंगे। एक थाने में ऐसा हुआ था, सदर थाने में, तो उन सभी लोगों को क्वारंटाइन कर दिया गया है और जो मेडिकल प्रोटोकॉल है उसका पूर्णतया पालन कराया जा रहा है। और आज जब ये अनाउंसमेंट हो गया है कि ये लॉकडाउन 3 तारीख तक रहेगा, इसका सख्ती से अनुपालन कराया जा रहा है।